यूपी के कौशाम्बी जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब पूरा मुक्ति थाना इलाके में गंगा स्नान करने गई आधा दर्जन लड़कियां गहरे पानी में डूब गईं। स्थानीय मल्लाहों ने सभी छह लड़कियों को गहरे पानी से बाहर निकाला। तीन लड़कियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार की तीन लड़कियों की मौत की सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया। मामला चायल तहसील के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के कुरई गांव का है जहां के निवासी मान सिंह की बेटी मीनू अपनी दो चचेरी बहनों और तीन अन्य पड़ोसी लड़कियों के साथ गंगा स्नान करने कुरई घाट गई थी। इसी बीच मीनू की बहन सीता गहरे पानी में डूबने लगी जिसको बचाने के लिए सभी लड़कियां गहरे पानी में चली गईं और खुद भी डूबने लगी। लड़कियों को डूबता देख स्थानीय मल्लाहों ने तुरंत गंगा में छलांग लगाकर लड़कियों को बाहर निकाला जिसमें तीन लड़कियों की हालत गंभीर देख उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया जबकि तीन अन्य लड़कियों की हालत बिल्कुल सामान्य है। एक ही परिवार के तीन लड़कियों की गंगा में डूबकर मृत्यु हो जाने की सूचना पर घर में कोहराम मच गया। तीनों लड़कियां आपस में चचेरी बहनें हैं। गंगा घाट से लेकर मृतकों के घर तक लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बिना किसी तरह की कार्यवाही कराए तीनों लड़कियों का अंतिम संस्कार कर दिया। आपस में नहीं सारे बच्चे इकट्ठा होकर नहाने के लिए निकली थी जो वहाँ पे नहाते नहाते ये अचानक पता चला हम लोग को कि ये डूब गई हैं। तो वहाँ पे जो नहा रहे थे और अधिक मात्रा में व्यक्ति लोग नहा रहे थे तो तीन लोग को बचा लिए और ये तीन लोग को थोड़ा देर हो गया। तीन लोग को बचाते बचाते तो ये बहकर थोड़ा कुछ दूरियाँ निकल गई जो कि ये पानी पीकर ये जमीन के अंदर हो गई थी, पानी के अंदर। तो बाद में ढूंढते ढूंढते ये करीब 15-20 मिनट के बाद इन लोग की नहीं मिली शरीर, तो इनको PSC मूरतगंज भी ले जाया गया और वहाँ से नहीं फिर जनता पाली क्लिनिक चंदवारी मोड़ के पास वहाँ भी दिखाया गया तो वहाँ पे नहीं फिर मृत्यु घोषित कर दिए। देखिए आज तकरीबन समय वही 10-11 बजे के आसपास की सूचना हम लोगों को मिली, 10 बजे के आसपास की। थाना पूरा मुक्ति का एक क्षेत्र है, पुरई गंगा घाट है, गंगा का तटीय क्षेत्र है। वहाँ पर जो है कुछ बच्चों को डूबने की सूचना आई, तत्काल हम लोग मौके पहुँचे तो वहाँ पर 6 बच्चे डूब रहे थे जिनको तीन को बचाया जा चुका है, वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश तीन बच्चे जो है डेथ कर गए हैं और उनके संबंध में जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। SDM मैडम भी यहाँ हम लोग के साथ हैं। कौशाम्बी से न्यूज़ इंडिया के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट।